हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी के काव्य बोध और भाषा बोध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक ये पोर्शंस प्रिपेयर नहीं किए थे ये सोचकर कि बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, उतने प्रश्न तैयार कर लेने के बाद आपके ये दो पोर्शन आप समझ सकते हैं कि कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। बच्चा, इससे पहले मैंने एक और वीडियो आज ही अपलोड की है चैनल पे, जिसमें मैंने पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारा हिंदी का मटेरियल चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपने कोई वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना डिले किए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे काव्य बोध वाले पोर्शन से। इसमें आपका जो काव्य बोध वाला पोर्शन, इसमें आपको काव्यों के बारे में पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है और अलंकार भी पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपके इसमें हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं या सारे टॉपिक्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप या तो छंद और अलंकार कर लीजिए या फिर रस और काव्य प्रिपेयर कर लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट कि पूरे पूरे टॉपिक करने से बेटर है कि आप सिर्फ इतने क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैं आज आपको वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, काव्य की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद बताइए। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो ऐसे करके आपको सारे जो प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको रीड करके नहीं बताऊंगी। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेंगे जिनके बारे में मेरे लिए आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आपका प्रश्न 7 जो है, इसमें रसों के भेद बताए हुए हैं या प्रकार बताए हुए हैं और उनकी परिभाषा उदाहरण सहित पूछी है। तो ये 7वें प्रश्न को वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद परिभाषा और उदाहरण के साथ समझाइए, तब भी आपको ये सारे रस लिखने हैं। हास्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस, भयानक रस, वीर रस, श्रृंगार रस और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रोध रस हो गया, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने यही मेंशन किए हैं। इसके बाद जो ये 10th क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें अलंकार के भेदों के परिभाषा और उदाहरण पूछा है। मैंने यहाँ पर रस टाइप कर दिया है, मैं उसको करेक्ट करके PDF अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको अलंकारों के प्रकार के बारे में पूछा है उदाहरण सहित। तो आपको ये जो मेन टॉपिक हैं, जैसे रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया और काव्य हो गया, इनकी परिभाषा और इनके प्रकार उदाहरण सहित लर्न कर लेना है, क्योंकि वो काफ़ी पूछा जाता है। और ये आपके जो पूरे काव्य बोध के प्रश्न हैं यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं प्रश्न 18 पर, ठीक है। 18 क्वेश्चन दिए हैं, इतने ज़्यादा नहीं, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगेन, बहुत छोटे छोटे आंसर ही प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क या 3 मार्क में ही पूछा जा सकता है। 4 मार्क में इनके आने के चांसेस थोड़े कम हैं, तो आप 3 मार्क का प्रिपेयर करेंगे तो आप उसी को थोड़ा बढ़ा कर अगर लिख सकते हैं तो वो 4 मार्क का हो जाएगा। ज़्यादा शुद्ध हिंदी मत यूज़ कीजिएगा, शब्द जो टफ वाले होते हैं उन्हें लर्न करना और याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप नॉर्मल हिंदी का यूज़ करके इनके आंसर मेमोराइज़ कीजिएगा, तो वो ज़्यादा समय तक आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं भाषा बोध वाले पोर्शन के बारे में। इसमें भी मैंने आपको 18 ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कम एक भी मत कीजिएगा अगर आप हिंदी में स्कोर करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भाषा बोध के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, भाषा बोध वाले जो पोर्शन है उसमें आपको अनुच्छेद लेखन आता है, अनुच्छेद लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रश्न 2 में बताया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे अनुच्छेद लिखने को आता है। अनुच्छेद का मतलब होता है आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ ही लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, ऐसे का या निबंध का छोटा भाई समझ सकते हैं आप इसको। तो जो भी टॉपिक मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, जैसे मेरे सपनों का भारत, विद्यार्थी और अनुशासन, खेलों का महत्व या फिर अनुशासन का महत्व, इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं जिसको आप आराम से खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वाले पोर्शन में आपसे संवाद लेखन भी पूछा जाता है, जैसे आपको प्रश्न 4 में दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित पर संवाद लिखिए।
ए है क्रिकेट खेलने के ऊपर दो मित्रों के मध्य संभावित संवाद, बी है जनसंख्या वृद्धि पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद, और सी है कंप्यूटर की खोज तथा उसके विकास पर विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य संवाद। संवाद का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, बातचीत। मान लीजिए कि क्रिकेट का खेल चल रहा है, उसे हम दो दोस्त देख रहे हैं और हम आपस में उसके लिए ही या उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो हम क्या क्या बात करेंगे उसी को संवाद कहते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, आप जो चाहें लिख सकते हैं। इसी पोर्शन में विज्ञापन लेखन भी आता है, जो कि आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट करके, तो इसमें विज्ञापन लेखन भी पूछ लेते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन है, इसलिए मैंने विज्ञापन लेखन के टॉपिक नहीं बताए हैं। बट आप जानना चाहते हैं कि हिंदी में विज्ञापन लेखन कैसे कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप YouTube पे सर्च कर लेना, आपको कोई ना कोई अच्छी वीडियो मिल ही जाएगी। और इसी पोर्शन में आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा वाला टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो प्रश्न 6 और 7 है ये आपको करना ही करना है। उसके बाद भाषा बोध से आपको भाव पल्लवन पूछा जाता है, जैसे कि आप प्रश्न 10 में देख रहे हैं, भाव पल्लवन कीजिए, ए है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ये आपने सुना होगा, लोकोक्ति है, ये आपने सुना होगा और आपको इसका मतलब भी पता होगा, तो बस जो भी आपको इसका मतलब पता है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। बट भाव पल्लवन लिखने का भी एक तरीका होता है, आप जानना चाहते हैं कैसे करना है तो इसके लिए भी आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिल जाएगी जिसको देख के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इस टॉपिक में से आपसे ये कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे तत्सम, तद्भव हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, निपात शब्द हो गया, मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। उसके अलावा इस पोर्शन से आपसे अंतर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखो, प्रश्न 14 आप देख पा रहे हैं। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर लिखो, प्रश्न 15 है। तो ये आपका भाषा बोध वाला पार्ट कम्प्लीट होता है। और इसी पोर्शन में आपसे कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। जैसे आपसे मुहावरे पूछ लेंगे, दो मुहावरे दे देंगे और बोलेंगे इसका वाक्यों में प्रयोग करके इसका अर्थ बताइए, तो बहुत ही कॉमन मुहावरे पूछते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा बोर्ड में मुहावरों की एक लिस्ट दे रखी है, बस आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। लोकोक्ति भी सेम मुहावरों की तरह पूछ सकते हैं कि अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए, या फिर आपका वाक्य परिवर्तन आता है। वाक्य परिवर्तन मतलब एक सिंपल सा सरल वाक्य दे देंगे, बोलेंगे इसको मिश्रित में परिवर्तित कीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद शुद्धिकरण का क्वेश्चन आता है, मतलब एक वाक्य आपको दे दिया, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, या तो मात्रा को लेकर या व्याकरण को लेकर, तो आपको उसे सही करके लिखना है। उसके अलावा अनेकार्थी शब्द आते हैं, तत्सम का तद्भव लिखिए, तद्भव का तत्सम लिखिए, अनेक के लिए एक शब्द लिखिए, गद्यांश पद्यांश भी इसी पोर्शन से आएगा, तो आप ये सारी चीज़ें परीक्षा बोर्ड में से आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन व्याकरण के अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्म में भी प्रोवाइड किए हुए, वहाँ पे मेंशन किया है कि व्याकरण अभ्यास के प्रश्न हैं, इसमें आपको कुछ मुहावरे मिल जाएंगे, वाक्य परिवर्तन करने वाले जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, शुद्धिकरण वाले मिल जाएंगे। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको व्याकरण के लिए सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा जो भी काव्य बोध और भाषा बोध के प्रश्न मैंने आपको दिखाए हैं, उसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसका पासवर्ड अब तक आपको वीडियो में दिखाई दे गया होगा, जैसे मैंने आपको शो कराया है वैसे ही आप टाइप कीजिएगा, तभी PDF ओपन होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर कहाँ पर मिलेंगे। तो उत्तर के लिए मैंने वही पिछली वीडियो जैसे ही किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दी है, एक में आपको काव्य बोध के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, दूसरी में आपको भाषा बोध के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बट फिर भी कुछ रह जाता है तो आप स्ट्रेट गूगल पर टाइप करके क्लास 12th लिख के सर्च कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर 100% मिलेगा। वहाँ भी नहीं मिलता है तो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा, मैं किसी न किसी तरह से आपको आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगर पसंद आई है तो अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम हो सके और बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट हो के आपको ये सारे प्रश्न याद करने हैं। मुझे पता है कि आप ज़रूर कर लेंगे, 2 दिन का टाइम है और आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि आप सब कुछ प्रिपेयर कर सके। हिंदी में भी फोड़ के आना है आपको, बिल्कुल भी पेपर बिगड़ना नहीं चाहिए, प्रॉमिस कीजिए मुझसे। तो अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।